हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन सेल्स की। तो ये बेसिकली वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको नए आईफोन्स परचेज करने हैं। तो अभी फिलहाल हाल ही में एप्पल की जो सेल है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट होने वाली है स्टार्ट। तो मैंने सोचा एक बार ये वीडियो बना के मैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो अभी नया आईफोन लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उन्हीं दोनों सेल की जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर होने वाली है स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन की सेल की जो कि स्टार्ट होने वाली है कल से। 6 और 7 तारीख को ये सेल होगी और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। तो इस सेल में भी काफ़ी सारे ऑफर्स अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस पर भी। और जो लोग अभी आईफोन 11 लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उनको बताया था कि अगर अभी वो वेट कर सकते तो करना चाहिए उनको, बट अगर किसी को अर्जेंसी है कि लेना ही है, तो जैसे कि अभी प्रीवियसली अमेजोन पे 62,900 में आईफोन 11 मिल रहा था और उसके ऊपर एडिशनल कैशबैक भी था, तो इस बार भी प्राइम सेल में आईफोन 11 के ऊपर अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं आपको। और उसी के ऊपर SDFC की तरफ से 10% कैशबैक भी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेजोन पे क्या क्या ऑफर्स इस बार हमको मिल सकते हैं और क्या क्या ऑफर्स एक्चुअल में उसमें आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सेल जो है वो रिवील कर दी है। तो जैसे कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे हाथ में मेरा डिवाइस है और अब मैंने इसमें अमेजोन की ऐप करी है ओपन। तो इसमें सबसे ऊपर आ रहा है प्राइम डे का 6th और 7th अगस्त। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको इसमें जो काफ़ी सारी डील्स जो इन्होंने रिवील कर दी हैं वो दिखेगी। जैसे कि अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो उसमें इसमें आ रहा है कि ये वॉशिंग मशीन और इन सब पे भी दे रहे हैं, बट हमें बेसिकली स्मार्टफोन का देखना है। तो मैं एक बार आपको उसके लिए बता देता हूँ। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे एक्सक्लूसिव डील्स में आ रहा है सबसे ऊपर फ्लैश सेल जो कि 6 अगस्त को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी एंड्रॉयड डिवाइसेस की। उसके बाद है बेसिकली अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे और सबसे नीचे जो है मोबाइल फ़ोन का आ रहा है ऑप्शन, जिसमें आपको बजट स्मार्टफोन्स पे 40% ऑफ मिलेगा। प्रीमियम वाले पे EMI का ऑप्शन है और बाकी एक्सचेंज। तो एक बार ये प्रीमियम वाले को क्लिक करके इसमें देखते हैं ऑफर्स। तो इसमें अब जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ रहा है प्राइम डे का डील्स रिवील्ड में, जिसमें दिया हुआ है 40% ऑफ और उसके बाद OnePlus Nord और Samsung Galaxy M31s इनकी डील्स जो है इसमें दिखाई गई है। इसी में जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपको फ्लैश सेल वाले ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि बेसिकली सारे रेडमी और ऑनर के डिवाइस आ रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑफर्स यू कैनॉट रिफ्यूज में आईफोन 11 जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 68,300 को कट करके, इसमें अभी एक्चुअल उन्होंने रिवील नहीं किया है, आगे की 2 डिजिट में XX लगे हुए हैं। तो हो सकता है जैसे कि प्रीवियस सेल में ये 62,900 का मिल रहा था और उसके ऊपर एडिशनल कैशबैक भी था, तो इस बार भी हो सकता है वापस उसी के आसपास इसका प्राइस आ जाए। और अगर वापस किसी को ये 60 या अंडर 60 में मिलता है विद कैशबैक ऑफर तो ये काफ़ी अच्छी डील होगी। इसी के साथ साथ OnePlus 8, 70 और Samsung M31 इन पे भी ऑफर्स हैं जो कि कल मोस्टली जो है जिनके रिवील नहीं हुए वो भी रिवील हो जाएंगे। बाकी काफ़ी हद तक कई फ़ोनों के ऑफर्स आपको इस पे दिख भी जाएंगे, जैसे 70 का दिख रहा है 36,000 और OnePlus 8 5G 42,000 का। इसके बाद बजट स्मार्टफोन का भी इसमें शो किया हुआ है। उसी के नीचे अगर आप जाएं तो बजट स्मार्टफोन वाली कैटेगरी में इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी M21, ओप्पो, सैमसंग M11, टेक्नो इन सारे डिवाइसेस का भी डील प्राइस जो है वो ऑलरेडी रिवील किया हुआ है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो अमेजोन की सेल में आपको मिलेंगे। और अगर कोई आईफोन यूज़र है और अगर वो नए आईफोन की तरफ स्विच करना चाहता है तो आईफोन 11 अगर उनकी प्रेफरेंस है तो मेरे हिसाब से उस पर एक अच्छी डील मिलेगी। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए आईफोन 12 के आने का, बट अगर आपको आईफोन 11 अभी लेना है तो ये काफ़ी सही टाइम होगा आपके लिए फ़ोन परचेज करने का, क्योंकि अमेजोन प्राइम में आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी। लेकिन ये जो सेल है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, तो इसके लिए आपको एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए ही सेल बनाई गई है। तो आपको प्राइम की जो है मेंबरशिप लेनी होगी जो कि या तो 129 रुपीज़ है एक महीने की या फिर 999 रुपीज़ में ये आपको पूरे साल के लिए मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, अगर कोई इसको लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर आपको कोई भी आईफोन या इनफैक्ट कोई अदर एक्सेसरी भी परचेज करनी है तो सब पे 2 दिनों के लिए काफ़ी अच्छी सेल होगी, प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम आपको मिलेंगे। बाकी अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की सेल की। फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो 6 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक है और इसमें भी जो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स है, अगर किसी के पास प्लस की मेंबरशिप है तो उन लोगों के लिए ये सेल आज यानी कि 5 तारीख को रात को 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्लिपकार्ट का मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जिन लोगों को आईफोन SE लेना है, अगर वो इंटरेस्टेड है आईफोन SE में, तो फ्लिपकार्ट पे अभी तक का लोएस्ट प्राइस जो है आईफोन SE का वो आपको फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये डील है। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये हमने खोला फ्लिपकार्ट का पेज और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ये आ रहा है इसकी डील का प्राइस मेंशन, डील की डेट मेंशन आ रही है 6th to 10th अगस्त
और उसी के साथ साथ उसमें आपको 10% डिस्काउंट है सिटी और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर। अब इसी का जो नेक्स्ट वाली जो इसमें स्लाइड आई है उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन SE का जो प्राइस है वो लोएस्ट इसमें आ रहा है 36,999। तो अभी अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्राइस वही दिखेगा, बट जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें नीचे आपको डील में दिख रहा है तो आईफोन SE जो है इस सेल में आपको मिलेगा 36,999 का। तो 37,000 में मेरे हिसाब से आईफोन SE बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है, अगर कोई इसको लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा ऑफर शायद उन लोगों को ना मिले। इसी के साथ साथ अगर इसी पेज को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें कुछ एंड्रॉइड डिवाइसेस के भी ऑफर दिखाए हुए हैं, और साथ ही साथ अगर कोई आईफोन XR लेना चाहता है तो इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो आईफोन XR का भी इसमें मेंशन आ रहा है कि आईफोन XR सेल के वक्त आपको मिलेगा 44,999 का। तो अगर इस 45,000 के ऊपर आपको एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट 1700 या 2000 तक का मिल जाता है तो मेरे हिसाब से 43,000 में भी अगर आईफोन XR किसी को मिलता है तो काफ़ी अच्छी डील वो होगी इन कंपैरिजन टू द प्राइस ऑफ आईफोन 11। अगर आईफोन 11 आपको 60 में मिल रहा है सपोज आफ्टर सेल आफ्टर इंस्टेंट डिस्काउंट और ये आपको 43 का पड़ रहा है तो ये 17,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आईफोन XR जो है वो अभी भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है। तो अगर कोई आईफोन XR भी लेना चाहता है तो वो इस सेल में आईफोन XR को भी कंसिडर कर सकता है। बाकी इसी के साथ साथ काफ़ी एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर भी ऑफर इसमें आया हुआ है तो वो सब आप अपने फ्लिपकार्ट की ऐप पे भी चेक कर सकते हैं। और एक ऑफर इसमें और जो आ रहा है वो आ रहा है आईफोन 7 प्लस पे, तो आईफोन 7 प्लस जो है वो इस सेल में आपको मिलेगा 35,000 का 34,999 का, और उसके ऊपर एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट तो होगा ही। तो अगर कोई आईफोन 7 प्लस भी लेना चाहता है तो उन लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 35,000 आईफोन 7 प्लस पे खर्च करेंगे तो उससे बेटर ये होगा कि आप 2,000 रुपये ऊपर देकर आईफोन SE ले लें, क्योंकि आईफोन SE जो है हर मामले में आईफोन 7 प्लस से बेटर ही है। सिर्फ आईफोन 7 प्लस में आपको तीन चीज़ें जो हैं वो आईफोन SE के कंपैरिजन में एडिशनल मिलेगी, जो कि है एक डेडिकेटेड पोर्ट्रेट कैमरा, बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी। बाकी आईफोन SE जो है वो आईफोन 7 प्लस के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है A13 और उसी के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, कैमरा भी उसका आईफोन 7 प्लस से काफ़ी बेटर है। तो अगर किसी को ये है कि मुझे लेटेस्ट चाहिए तो वो डेफिनेटली आईफोन SE की तरफ जा सकता है, बट अगर किसी की प्रेफरेंस आईफोन 7 प्लस की ही है तो वो आईफोन 7 प्लस को भी इस सेल में कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन और सजेशन यही रहेगा कि आईफोन 7 प्लस अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो उससे बेटर ये हुआ कि आप आईफोन SE की तरफ जाएं। बाकी इसी के साथ साथ इस सेल में आपको काफ़ी अलग अलग डिवाइसेस पे भी स्कीम मिलेगी, ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि अगर कोई एप्पल का मैकबुक लेना चाहता है तो मैकबुक और आईपैड्स पे भी आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए तो आईपैड्स जो हैं वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन कल जैसे ये सेल होगी स्टार्ट तो उस वक्त इन पे भी जो है प्राइसिंग रिवील हो जाएंगे और ऑफर्स जो हैं वो उस वक्त सारे इसमें शो करने लग जाएंगे। तो अगर किसी को मैकबुक या फिर आईपैड्स लेने हैं तो वो भी ये इस सेल में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सेसरीज पे भी ये सेल है, तो अगर किसी को एक्सेसरी लेनी है या कोई भी डिवाइस लेना है एंड्रॉयड ही लेना हो तो उन सब पे इस बार इन सेल्स में काफ़ी अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। तो अगर कोई भी किसी भी नए डिवाइस के लिए सोच रहा है और अर्जेंट उनको लेना ही है तो वो डेफिनेटली सेल में उसके लिए देख सकते हैं। बाकी इसी के साथ साथ इस सेल में और जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हो गए हैं बाकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं सब पे डील आपको मिलेगी। तो अगर कोई भी इस वक्त कुछ परचेज करने का सोच रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो इस सेल की तरफ जा सकता है। बेसिकली मैंने ये जो वीडियो है वो इसी पर्पज से बनाई थी कि आईफोन 11 XR और आईफोन SE की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि जो लोग इनको लेने में इंटरेस्टेड है वो इस सेल में इनको ले सकें, क्योंकि ये इस बार काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट ऑफर तो आईफोन SE पे ही है 37,000, और उसके ऊपर आपको इंस्टेंट कैशबैक वाला ऑफर भी मिलेगा। बट अगर इंस्टेंट कैशबैक ना भी मिले तो भी 37,000 आईफोन SE के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है। इसी के साथ साथ आईफोन 11 और 10R पे जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी सही है। 11 का कल रिवील हो ही जाएगा और 10R का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बाकी गाइज ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं, जो भी लोग नए आईफोन लेना चाहते हैं 11 SE और 10R में से, तो उन लोगों के लिए ये कुछ डील्स हैं जो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो इन डील्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए गाइज कि फ्लिपकार्ट पे मोस्टली ये होता है कि जब भी ये सेल स्टार्ट होती हैं और कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस पे ये लोग ऐसा करते हैं कि वो विद इन सेकेंड्स जो है आउट ऑफ स्टॉक शो कर देता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है आईफोन SE या 10R पे फ्लिपकार्ट से लेने में तो आप पहले ही सेल से पहले ही रेडी रहिए, और अगर कोई प्लस मेंबर है तो वो तो आज ही उनके लिए सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी को लेना है तो ऑलरेडी आप पहले ही अपनी कार्ड डिटेल्स या जो भी है वो तैयार रखिए हाथ में, और ताकि जिस वक्त वो सेल स्टार्ट हो आप उस वक्त उस डिवाइस को ले सके। अदरवाइज फ्लिपकार्ट पे काफ़ी जल्दी ये लोग आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। बाकी अमेजोन पे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सेल चलती है कुछ समय तक जब तक एक्चुअल में शायद डिवाइस आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो अगर कोई आईफोन 11 को कंसिडर करना चाहता है तो वो अमेजोन से कल ले सकता है। तो गाइज ये थी कुछ डील जिनको आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कर सकते हैं अवेल, कल से सेल हो जाएगी स्टार्ट।
बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।